करते क्या है, हम 89 में हम पार्षद यहाँ से हुए थे, उसके बाद 17 साल हमारे घर तो कोई चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद में 2012 में आदिल अहमद चुनाव लड़े, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने चुनाव जीते। वो 17 में हमारी बेटी सादिया रफीक ने इसी क्षेत्र की जनता ने भारी बहुमत से विजय बनाया। अब ये 2023 में आपकी समाजवादी पार्टी का सिंबल है, तो भी इंशाल्लाह जीत हमारी जो है मजबूत है। क्या मुद्दे हमारे ये हैं, चूँकि हमारे क्षेत्र रघनगर वार्ड में चूँकि अब कुछ नया मोहल्ला जुड़ गया है, बिल्लौचपुरा वगैरह, बाकी हमारे वार्ड में कोई काम लगभग बचा नहीं है। और मुद्दे हमारे सिर्फ विकास का ही एक मुद्दा है, हमने विकास किया है, विकास के नाम पे ही अपने क्षेत्रवासियों से वोट मांग रहे हैं। चीज़ें भी बड़ी हैं और उनकी चुनौती बढ़ गई, किससे लड़ाई है आपकी? लड़ाई फिलहाल तो यहाँ पे भाजपा है, बसपा है, सभी से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो हमारी मतलब भाजपा से ही लग रही है हमको। वैसे हमें तो नहीं लग रही, हमारे क्षेत्र में कोई हमें लग ही नहीं रहा कि हमारे टक्कर का कोई है। आपको पूरी उम्मीद है बेटा इन सब चीज़ों से निकल के बाहर आए? बस हमें अपनी तिलक नगर वार्ड की जनता पे पूरा भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, जो इससे पहले 3 चुनाव जनता ने जिताए हैं, आपकी भी इंशाल्लाह भारी बहुमत से विजय होगी। मैं जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से एक बार यही अपील आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि 4 तारीख को भारी बहुमत से आदिल में वोट डालकर 13 तारीख को विजय करवाएं। देखिए, हमारे वार्ड में जनता का जो प्यार और सम्मान हम लोग को हमेशा 89 से मेरे पापा सभासद रहे, वो जीते, उसके बाद 15 साल हम लोग ने कुछ नहीं किया, उसके बाद जो है अब पापा समाज सेवा करते रहे। अभी 2012 में पहली बार मैं लड़ा और 2017 में मेरी बहन लड़ी, हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े और चुनाव जीतते रहे। तो आज चुनौतियाँ कुछ नहीं है, काम के दम पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हम लोग की पहचान यही है विकास के रूप में, और 10 साल विकास किया, इसीलिए पब्लिक जो है हम लोग को चुनाव में कामयाबी दे रही है और हम लोग को भारी भरकम लीड से हम लोग चुनाव जीतते हैं। और चुनौती कोई नहीं है मेरे बीच में, हम लोग अपना काम लेके किए हैं, काम किया है अपना, हर गली मोहल्ला हम लोग ने बनवाया है। पहली बार तिलक नगर वार्ड का आधा परसीवन हुआ, 5 साल पहले मेरे पास 6 जुड़ा, लमसम हर गली हर एरिया बनवाया है। और जो कुछ काम बचे, जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है हमारे यहाँ जल निकासी का, तिलक नगर रामनगर पानी भरता है, वो एक मुद्दा है जिसको हम लोग को इस बार सॉल्व कराना है। आपकी बढ़त मिल रही है, बढ़ती नजर आ रहे हैं, इससे कहा गया बलोचपुरा वहाँ पे सबसे बड़ा परेशानी रहती पानी की, जैसे भी आपने कहा और जिगड़ों में, वहाँ के पानी को कैसे लेके जाएंगे और जनता तक ये बात कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, बलोचपुरे में सबसे बड़ा मुद्दा एक जो है सफाई व्यवस्था और पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो अब के नया वार्ड मेरे में जुड़ा है ये। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करना है कि अगर ऊपर वाले का दुआ रही और आप सबका, मेरी जनता का आशीर्वाद रहा चुनाव जीते, तो वहाँ पर सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे गंदगी वहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो साफ़ हो। और पानी के लिए है कि एक मिनी ट्यूबवेल का या बोरिंग का हम लोग इंतज़ाम करेंगे, जो घर घर ही नहीं है, ये नहीं है हमारे यहाँ, हमारी सुदर्शनपुरी कॉलोनी है जो हमारे साथ रहती है, वो सारातर कर्मचारी हमारे सुदर्शनपुरी कॉलोनी के हैं, जिनको हमने 10 सालों में हमने अपने एरिया में उनको नौकरियां करवाई, जिनको ज़्यादातर लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा। और हम, मेरे पापा हमेशा, पिताजी मेरे हमेशा कर्मचारियों के साथ खड़े रहे हैं। पिछली बार भी कई कर्मचारियों को बिना बताए हटाया जा रहा था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, मेरी बहन ने सदन में भी इस चीज़ को आवाज़ उठाई थी, जिसकी वजह से वो कर्मचारी हमारे बचे। और भी कर्मचारियों को दिक्कतें रहती हैं, कुछ भी उनको सैलरी की या कोई परेशानी रहती है, हम लोग 10 सालों से उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। क्या मुद्दे लेके जनता को सोचें? मुद्दे मेरे वार्ड में कोई है नहीं ज़्यादा, बस मेरे का जो एक मुद्दा है, क्योंकि हमने काम कराया है, काम के दम पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ना विधायक का ना मेयर का किसी का इतना सपोर्ट नहीं मिला। एक तरीके से कह लें कि मतलब मेयर मैम मेरी, विधायक जी बहुत अच्छे थे, मगर शायद जो कार्यकर्ता थे वो नहीं चाह रहे थे कि मेरे तक पहुंचे या काम ना हो। हमने अपनी निधि से जितना काम कराया, सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ हमारे रामनगर धोबी घाट में या रामनगर में जो पानी भरने का मुद्दा है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी के लिए हमको सॉल्व कराना है। बाकी ऐसा लमसम ज़्यादातर रोडें बनी हुई हैं और कुछ पानी की समस्याएँ हैं, उसको सॉल्व करानी है बस। क्या आवाम से जो है आवाम से यही अपील करेंगे कि आपके बीच में आपका अपना आदिल है, जिसको आप लोगों ने 10 साल से प्यार और आशीर्वाद दिया है, 89 से आवाम ने मेरे पापा को प्यार और आशीर्वाद दिया है। आप लोग यहाँ पर, ये आपका व्यक्तिगत चुनाव होता है, इसमें ना किसी की सरकार बनती है, ना कोई मंत्री सांसद चुना जाता है, ये जनता के मुद्दों का चुनाव होता है, जो वो नेता चुनिए जो आपके बीच में रहे। आपका आदिल, हम लोग का परिवार निरंतर सेवा कर रहा है, 10 सालों से आपके बीच में रहा है, अपना काम किया है,
तो प्लीज़ आप लोगों ने जैसे हम लोग को प्यार और आशीर्वाद दिया है, आगे भी दीजिए कि हम आप लोग की सेवा कर सकें। और हम लोग सिर्फ सेवा के भाव से चुनाव लड़ते हैं कि पब्लिक की सेवा कर सकें। थैंक यू।